हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम अपना पहला यूआई डिजाइन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। जितना भी हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। सीधे चलते हैं अपनी यूआई पे और उसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये रहा हमारा यूआई। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जितने भी विजिट्स हैं वो एक वर्टिकल फैशन में अलाइंड है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो लिस्ट व्यू यूज करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से विजिट्स बनाने हैं। चलते हैं सेकेंड स्लाइड के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो हमको एक ये कंटेनर विजिट बनाना है जिसके अंदर हमारी ये इमेज रहेगी। और ये देखिए, टॉप पे एक बैक एरो का आइकन है, ये हमारा पहला विजिट। उसके बाद हमें एक रो विजिट बनाना है जिसमें सबसे पहले तो ये टेक्स्ट है और लास्ट में एक ये आइकन है। और उसके बाद जो हमें दोबारा से एक रो विजिट बनाना है जिसमें पहले तो आइकन है और बाद में एक टेक्स्ट है। देखिए, उसके बाद हमें एक दोबारा से रो विजिट बनाना है जिसमें ये रहा पहला विजिट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए, इस विजिट में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक वर्टिकल फैशन में अलाइंड है। तो मतलब हमें यहाँ पे एक कॉलम विजिट यूज करना है जिसमें पहले आइकन आएगा, उसके बाद टेक्स्ट, फिर एक दोबारा से टेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट विजिट बनाना है जिसमें ये टेक्स्ट होगा। और लास्ट में हमें एक ये बटन विजिट बनाना है जिसके अंदर एक टेक्स्ट है। ओके, तो चलते हैं अपने कोड पे और इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है उनको देख लेते हैं। आपके पास एक इमेज होनी चाहिए जो आप यहाँ टॉप में डिस्प्ले कराना चाहते हो। उसके बाद ऑब्स्पेक्ट डॉट एम एल के अंदर आपका ये कोड, एसेट्स वाला कोड, अनकमेंटेड होना चाहिए। और यहाँ पे उस फोल्डर का नेम होना चाहिए आपके पास जिसके अंदर आपकी इमेज है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब डायरेक्ट कोड में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहले हम बॉडी बनाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे लिस्ट व्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें विजिट्स को वर्टिकली अलाइन करना है। इसके बाद हम लिखेंगे चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पे हम अपना पहला विजिट बनाएंगे जो कि है ये कंटेनर जिसके अंदर एक इमेज है। ठीक है, तो अब कोड करते हैं। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने एक कंटेनर बनाया जिसके हमने हाइट दी है 350 और हमने विड्थ दी है उसकी डबल डॉट इन्फिनिटी। अब ये डबल डॉट इन्फिनिटी क्या करता है, आपके फ़ोन की पूरी विड्थ लेगा और इस कंटेनर में असाइन कर देगा। उसके बाद हमने इस कंटेनर को डेकोरेट किया। तो सबसे पहले तो हमें कंटेनर के बॉटम में बॉर्डर चाहिए था, तो हमने यूज़ किया बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली। अगर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर यूज़ करते तो वो हर साइड से हमको उतना रेडियस प्रोवाइड कर देता। नॉट ओनली के बाद हमें जिस साइड से रेडियस चाहिए था हमने वो साइड बताई और जितना रेडियस चाहिए था हमने रेडियस डॉट सर्कुलर के अंदर पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें ये बॉटम रेडियस मिल गया। फिर उसके बाद हमने इस इमेज को इसके अंदर प्लेस किया कंटेनर के अंदर। अब ये इमेज चाइल्ड नहीं है, डेकोरेशन का ही पार्ट है, तो हमने यूज किया डेकोरेशन इमेज। उसके बाद दोबारा से हमने इमेज लिखा है और हमने एसेट इमेज इसलिए यूज किया है क्योंकि ये इमेज हमारी एप्लीकेशन के अंदर है। फिर उसके बाद हमने उस इमेज का पाथ दे दिया। अब इस इमेज को इस कंटेनर में फिट कराने के लिए हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज की है बॉक्स फिट डॉट कवर, ताकि ये इमेज पूरे कंटेनर में फिल हो जाए। उसके बाद जो आप ये टॉप लेफ्ट पे आइकन देख रहे हो, हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये आइकन यहाँ पे बनाया जिसके हमने कलर और साइज दे दिया।
अब इसको टॉप और लेफ्ट से पैडिंग देनी थी, तो हमने इसको पैडिंग विजिट के अंदर रैप कर दिया। अब देखिए, हमने ये अलाइनमेंट इसलिए यूज किया है क्योंकि ये अलाइनमेंट क्या करता है, जो भी चाइल्ड होता है उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस कर देता है। अगर हम इस अलाइनमेंट को रिमूव कर देंगे तो आइकन हमारा ये सेंटर में आ जाएगा, तो सेंटर से इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचाने के लिए ही हमने इसको यूज किया है। अब अपन देखते हैं कि अपन को दूसरा विजिट कौन सा बनाना है। अब हमें यहाँ पे एक रो बनानी है जिसके अंदर पहले तो ये हमारा टेक्स्ट होने वाला है और दूसरा हमारा ये आइकन होने वाला है। चलिए अब इसको क्रिएट करते हैं, कंटेनर के नीचे इसको क्रिएट करते हैं। चलिए आप समझते हैं, इस विजिट में सबसे पहले तो हमने यहाँ पे साइज बॉक्स यूज किया है क्योंकि इस विजिट पहले विजिट और दूसरे विजिट के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। उसके बाद अपन ने रो बनाई है जिसके अंदर ये दोनों अपन ने चिल्ड्रन बनाया। सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट बनाया है जिसके अंदर अपन ने स्टाइलिंग करी है, उसका फॉन्ट साइज 29 और फॉन्ट वेट हमने बोल्ड किया है। उसके बाद अपन ने यूज किया आइकन को, उसके अंदर हमने आइकन फेवरेट बॉर्डर यूज किया है और कलर रेड और साइज 26। अब इन दोनों जो हमारे विजिट्स हैं जो रो के अंदर है, इन दोनों के बीच में हमें मैक्सिमम स्पेस चाहिए था, तभी हमने यूज किया है मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस बिटवीन। और उसके बाद हमने इस रो को पैडिंग विजिट के अंदर रैप किया है क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल से थोड़ी सी पैडिंग चाहिए थी। तो आप यहाँ पे डॉट ओनली लिख के राइट और लेफ्ट लिखते उसमें पैडिंग देते, या तो आप यहाँ पे एज इनसेट्स डॉट सिमेट्रिक भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको अगर हॉरिजॉन्टल से राइट और लेफ्ट से सेम पैडिंग चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल लिख के 20 लिख सकते हैं। अब अपन थर्ड विजिट के ऊपर मूव करते हैं। जो हमारा थर्ड विजिट है वो कुछ इस टाइप से, सबसे पहले हमें एक रो बनानी है, उसके बाद उसमें पहले आइकन है और बाद में उसमें टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसको अपन अब कोड करते हैं। अब देखते हैं कि अपन ने ये थर्ड वाला विजिट कैसे कोड किया है। सबसे पहले अपन ने साइज बॉक्स यूज किया है जो सेकेंड और थर्ड विजिट के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा। उसके बाद रो विजिट बनाया है जिसके अंदर हमने ये दोनों विजिट्स बनाए, सबसे पहले आइकन और उसके बाद टेक्स्ट विजिट। आइकन विजिट में हमने आइकन डॉट लोकेशन ऑन आइकन का यूज किया है और उसका कलर ऑरेंज और साइज 19 कर दिया। उसके बाद जो टेक्स्ट विजिट है उसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखा है और जो हमने स्टाइलिंग है वो सेकेंड वाले विजिट से थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि अभी उसका फॉन्ट साइज भी छोटा है
और जो हमारा फॉन्ट वेट है वो भी हमें कम करना था, और जो इसका कलर्स था उसकी ओपेसिटी भी कम करनी थी। तो ये देखिए कलर्स में हमने यूज किया है कलर्स इक्वल टू कलर्स डॉट ब्लैक डॉट विद ओपेसिटी 0.6। तो अब जो ब्लैक कलर होगा वो 0.6 ओपेसिटी के साथ ही यहाँ पे शो होगा। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ विजिट की तरफ और देखते हैं उसे कैसे ड्रॉ करना है। देखिए अब हमें एक रो दोबारा से बनानी है जिसमें हमें तीन कॉलम बनाने हैं, और हर एक कॉलम में सबसे पहले आइकन, उसके बाद टेक्स्ट और एक एक और टेक्स्ट। ठीक है, अब इसे कोड करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं कि हमने इसको कोड कैसे किया है। सबसे पहले यहाँ पे साइज बॉक्स यूज किया है ताकि जो हमने ऊपर टेक्स्ट विजिट यूज किया है नैनीताल उत्तराखंड और जो हमने रो बनाई है रेटिंग वाली, इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाए। उसके बाद अपन ने एक रो बनाई है जिसके अंदर यूज किया है मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, ताकि इसके अंदर जितने भी चिल्ड्रन है उनके बीच इक्वल स्पेस उनको क्रिएट हो जाए। उसके बाद पहला कॉलम बनाया। अब इसके अंदर सबसे पहले अपन ने आइकन यहाँ पे बनाया, ये देखिए ये यहाँ पे चाइल्ड है यहाँ पे आइकन, और उसको हमने कार्ड के अंदर रैप किया है। और उसके बाद ये जो शेप प्रॉपर्टी है इसको यूज किया। अब ये शेप प्रॉपर्टी कार्ड को सर्कुलर शेप दे रही है, उसके बाद जो एलिवेशन है ये इसको एलिवेट कर रहा है उसकी बॉडी से। उसके बाद हमने पैडिंग दिया ताकि कार्ड और इस आइकन के बीच में इंटरनली थोड़ी स्पेस रहे। उसके बाद अपन ने टेक्स्ट वेज यूज किया है रेटिंग, और उसके बाद ये टेक्स्ट वेज जो रेटिंग की वैल्यू होगी। और इसमें देखिए यहाँ पे जो हमने फॉन्ट वेट था वो चेंज कर दिया, पहले फॉन्ट वेट ऊपर 300 है और नीचे 500 है, जो इनका साइज है पहले 18 है फिर 19 है, और लास्ट में जो कलर है जो हमने यूज किए हैं रेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए वो कलर्स डॉट ब्लैक विद ओपेसिटी 0.6, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है 4.2 उसके लिए हमने यूज किया कलर्स डॉट ब्लैक विद ओपेसिटी 0.7। ठीक है, तो इन्हीं कंटेनर्स को हमने कॉपी किया है दो बार और आगे दो कंटेनर्स बनाए हैं, बस इसमें आइकन चेंज कर दिए और टेक्स्ट चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है। तो ये वाला जो आइकन है जो सेकंड नंबर पे है ये है हमारा रूट का आइकन, और जो हमारा आइकन थर्ड नंबर पे है ये है फूड बैंक का आइकन। ये देखिए ये रहा फूड बैंक का आइकन। ठीक है, अब हम अपना फोर्थ विजिट है वो उसको देखते हैं।
जो यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट शो करना है, ठीक है। अब इसको कोड करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं ये वाला टेक्स्ट वेज हमने कैसे कोड किया। सबसे पहले साइज बॉक्स लिया ताकि ये जो हमारी ऊपर रो है इसके और जो नीचे टेक्स्ट है इसके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग मिल जाए। उसके बाद हमने अपना टेक्स्ट है उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना था वो हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसकी स्टाइलिंग करी है, सबसे पहले फॉन्ट साइज 20, उसके बाद फॉन्ट वेट हमने यूज़ किया W300 और कलर जो अपन ने यूज़ किया है कलर्स डॉट ब्लैक डॉट वुड ओपेसिटी 0.6 और इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दिया हॉरिजॉन्टल से, डॉट सिमेट्रिक यूज़ किया है और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल .18। चलिए अब हम देखते हैं अपना लास्ट पोर्शन जो हमें ये बटन डेवलप करनी है, ठीक है। अब चलते हैं कोड पे। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे कोड किया है। सबसे पहले तो साइज बॉक्स यूज किया है ताकि इस टेक्स्ट और इस कंटेनर के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए। उसके बाद हम लोगों ने एक कंटेनर बनाया है जिसकी हाइट 50 डिफाइन करी है और डेकोरेशन दी है। सबसे पहले हमने उसका कलर्स डॉट ब्लैक दिया है और बॉर्डर रेडियस यूज किया है ताकि जितने भी कंटेनर के हमारे कॉर्नर्स हैं उनका रेडियस 12 हो जाए। उसके बाद सेंटर में अपन लोग ने यूज किया है टेक्स्ट विजिट जिसमें लिखा है अपन ने अपना टेक्स्ट बुक माई ट्रिप और इसकी स्टाइलिंग करी है। फॉन्ट साइज इसका 22 दिया है और इसका फॉन्ट वेट जो है वो 600 यूज किया है और कलर जो यूज किया है कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अब जो हम ये टॉप पे देख रहे हैं डीबग बैनर इसको भी रिमूव करते हैं। तो इसके लिए अपन जाएंगे मेन डॉट डार्ट में और मटेरियल ऐप के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डीबग। तो आपको डीबग शो चेक मोड बैनर दिख रहा है इसको अपन करना है फॉल्स और सेव, ठीक है। अब ये हमारा यूआई बन चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।